हेलो फ्रेंड्स, फ्राई किचन में आप सभी का स्वागत है। इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भाफला बाटी बनाने का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये बाटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यूं तो हम बाटियां अलग अलग तरह से बनाते हैं, परंतु ये बाटी मैं आपको इडली स्टैंड में बनाना बताऊंगी, जो आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाटी बनाना। बाफला बाटी बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। नॉर्मल जो आटा हम रोटी बनाने के लिए काम में लेते हैं, वही आटा है ये। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा चम्मच दरदरी पिसी हुई सौंफ और 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ धनिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच अजवाइन, जिसे हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। आधा चम्मच मीठा सोडा। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे भी अच्छे से। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे मोयन के लिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मसलते हुए हमें इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे आटे में तेल अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से बाइंड हो रहा है हमारा आटा। ये देखिए आप, इट्स मीन हमारा जो मोयन है वो एकदम परफेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। हमें डो बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा लूज नहीं लगाना है। ये देखिए इस तरह से हम डो लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए। हमारा आटा लगकर एकदम तैयार है। ये देखिए, ना तो हमारा आटा बहुत ज्यादा लूज है, ना ही बहुत ज्यादा टाइट है। अब हम आटे को इस तरह से गीले कपड़े से कवर करके आधे घंटे के लिए रहने देंगे इस तरह से। आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स, और हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसे अच्छे से नीड कर लेंगे हम इस तरह से। हमारा आटा एकदम तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इस तरह से छोटी छोटी लोइयां तोड़कर इसकी बाटियां बना लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। सभी लोइयों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है इसमें, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ खमन की प्लेट ली है और इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ। ये देखिए, बाटी हम इडली स्टैंड में बनाने वाले हैं, इसलिए हमने स्टैंड में 4 गिलास पानी डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इन बाटियों को इस तरह से खमन की प्लेट में रख देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से रख रही हूँ। जैसे हमने सभी बाटियों को रख दिया है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हम इस प्लेट को सावधानी से इसमें रख देंगे इस तरह से, और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम एकदम हाई रखेंगे फ्रेंड्स। हमें इन्हें हाई फ्लेम पर ही 10 मिनट के लिए पहले कुक करना है, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और हमारी बाटियां भी आधी कुक हो गई हैं। अब हम सभी बाटियों को पलट देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पलट रही हूँ। ये देखिए, सभी को हमें इसी तरह से फ्लिप करना है। इस तरह से हमने सभी बाटियों को पलट दिया है फ्रेंड्स। अब हम इसे ढककर वापस 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, उसके बाद इसे चेक करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बाटियां अच्छे से कुक हो गई है, और आप देख सकते हैं साइज में भी एकदम डबल हो चुकी है। किस तरह से क्रैक्स हमारी बाटियों में आए हैं, ये क्रैक्स इस बात की पहचान है कि हमारी जो बाटियां हैं अंदर से भी अच्छे से कुक हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से अच्छे से कुक हो गई है हमारी बाटी, ये आप देख सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बाटियों को प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। बाटियों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 3 बाटी अलग निकाल ली है। आप एक बार में जितनी बाटी फ्राई करना चाहते हैं उन्हें निकाल लें, और बाकी बाटियों को ढक कर रख दें इस तरह से। अब इस तरह से इन बाटियों को हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से मैं कट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इन बाटियों को फ्राई करने के लिए इसमें डाल देंगे इस तरह से। सभी बाटियों को हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इस तरह से। बीच बीच में हम बाटियों को इस तरह से फ्लिप कर देंगे, ताकि हमारी जो बाटियां हैं चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए कुछ इस तरह से।
लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सभी बाटियां अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं हल्का गोल्डन कलर भी इन पर आ चुका है। अब हम सभी बाटियों को इस तरह से तेल झाड़ते हुए निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम बाटियों को इस तरह से घी में डिप करेंगे और फ्लिप करते हुए इन पर चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेंगे और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। हमें बाटियों को डिप करके रखना नहीं है, इन पर घी लगाकर और इन्हें वापस निकाल लेना है। ये देखिए बाकी बाटियों को भी मैं इसी तरह से डिप करके इन पर घी लगाऊंगी और निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। ये देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सभी बाटियां एकदम तैयार है। ये देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है हमारी बाटी, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।